गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5, माई सेल्फ आरडी सर योर एवीएस टीचर। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई सपोज टू से ऑल ऑफ यू गुड गुड फिजिक्स, गुड फिजिकल हेल्थ, एंड ऑल्सो सपोज टू से यू शुड परचेस योर एवीएस बुक। अपने सबने शायद एवीएस का बुक खरीद चुके होंगे। तो लेट अस स्टार्ट आवर स्टडी फ्रॉम राइट नाउ। आज से हम लोग का पढ़ाई चालू हो रहा है। सबने बुक निकालेंगे, फर्स्ट चैप्टर जो भी है फैमिली के ऊपर रिलेटेड है, तो इसमें कुछ आपसे बातें डिस्कस करूं। पहला जो बात आएगा, जो न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली का डेफिनेशन इस तरह हो सकता है बेटा, इन दोस काइंड ऑफ फैमिली देयर पेरेंट्स एंड ओनली चिल्ड्रेन लिव टुगेदर। पिता माता और बच्चे ही सिर्फ जिस परिवार में रहते हैं उसे न्यूक्लियर फैमिली, छोटा परिवार बोलते हैं। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब छोटा परिवार। दूसरी तरफ जॉइंट फैमिली क्या, एक साथ रहना। इन दोस काइंड ऑफ फैमिली बिलोंग विथ देयर ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, पेरेंट्स, चिल्ड्रेन, अंकल, आंट, एवरी वन लिव टुगेदर, दे आर कॉल्ड जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में सब मेंबर एक साथ, दादा दादी, पिता माता, आपके अंकल, आप, आपका सिस्टर, सब एक साथ रहते हैं, ये जॉइंट फैमिली पे आते हैं। तो आपको समझ में आ रहा न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली में क्या डिफरेंस है, कि कहाँ कहाँ इसका सुविधाएं है? हाँ बिल्कुल, जॉइंट फैमिली में अगर आप रहते हैं इसका आपका फायदा एडवांटेज है ही। हर तरह की कोई भी दिक्कत, कोई भी मुसीबत अगर आए तो जॉइंट फैमिली में ये आराम से संभाल सकते हैं। न्यूक्लियर फैमिली में थोड़ा सा दिक्कत की बात हो जाएगी, क्योंकि आपने सिर्फ पिता माता को छोड़ के और दूसरे कोई हेल्प करने वाला मददगार नहीं मिलेंगे आपको। इधर आप खुद का काम खुद कर सकते हैं या पिता माता के ऊपर भरोसा कर सकते हैं न्यूक्लियर फैमिली में। जॉइंट फैमिली में ये सुविधा आपको मिल जाएंगे, आपके ग्रैंड पा, ग्रैंड माँ रहेंगे, अंकल रहेंगे, आंटी रहेंगे, ब्रदर सिस्टर सब रहेंगे, तो आप इन सब का मदद ले सकते हैं। ये था न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली के बारे में। दूसरा बात, दूसरा क्वेश्चन इसमें आ सकता है, सुनना ढंग से, व्हाट आर द रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली बनने का पीछे क्या कारण हो सकता है? बहुत सारे कारण हैं, घर की कारण, घर से बाहर की कारण, समाज के कारण। हम एक एक करके पॉइंट को थोड़ा डिस्कस करें। फर्स्ट, इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब काम। आज का डेट में बेटा घर के बाहर जाना ही पड़ रहा है काम तलाश करने के लिए। इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन, काम के लिए वो घर छोड़ के बाहर जा रहा है, छोटा परिवार हो रहे। इन सर्च ऑफ हायर एडुकेशन, पढ़ाई। आप छोटे जगह पे हो, रतनगढ़ में हो, यहाँ आपको जितना एडुकेशन लेना था आपने ले लिए, फिर और भी अच्छा और भी बेहतर एडुकेशन के लिए आपको और कहीं जाना पड़ेगा, बड़े जगह पे जाना पड़ेगा। तो अब तो इस तरह आपका फैमिली भी न्यूक्लियर होते जाएगा, छोटा बड़े परिवार से टूट के अलग हो रहे हो। तीसरा पॉइंट जो है, फैमिलीज आर माइग्रेटिंग विलेज टू सिटी। खूब दिखा जा रहा, गांव से धीरे धीरे आदमी शहर की तरफ आने लगे। कारण वही है, गांव पहले जैसा नहीं रहा, अब उतना खेती भी नहीं होते, तो सोर्स ऑफ इनकम वो कम होते जा रहा है, तो सब शहर की तरफ चल पड़ रहे। कुछ काम हो जाए, कुछ पैसा आ जाए तो घर परिवार चल सकता है, घर परिवार चल सकता है। तो ये माइग्रेटिंग का मतलब एक जगह से दूसरा जगह पे चले आना। नेक्स्ट पॉइंट है, इन सिटीज देयर आर स्मॉल हाउस। आप तो इधर शहर पे आ गए, गांव पे जितना खुला मिला जगह मिला उसे रहने का, आराम से रह सकते थे। सिटी में आके अब यह संभव नहीं है, शहर है, शहर केंद्रित मानसिकता आ गए। आप इसमें घर छोटे मिलेंगे, कहीं उतना पैसा भी नहीं है, घर छोटा, घर रेंट पे लेना पड़ेगा, और छोटा घर में आप ज़्यादा आदमी नहीं रह सकते, तो आप जॉइंट फैमिली वहाँ पर संभव नहीं है, तो न्यूक्लियर फैमिली के रूप में ही शहर में आपको रहना पड़ेगा। इसलिए बोल रहा है इन सिटीज देयर आर स्मॉल हाउसेस, छोटा छोटा घर है। नेक्स्ट पॉइंट है, डू नॉट एडजस्ट टू रिस्पेक्टिव मेम्बर्स। आप इम्पोर्टेंट, अब तक छोटे हो इतना समझ में नहीं आएगा, फिर भी बताओ जो घर पे जो भी दूसरे सदस्य हैं
सबकी मनभेद हो सके।